एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे कहानी का शीर्षक है शेर का आसन। शेर जंगल का राजा होता है। वो अपने जंगल में सबको डरा कर रहता है। शेर भयंकर और बलशाली होता है। एक दिन शेर के राजा जंगल में घूमने गए थे। शेर ने देखा कि राजा हाथी पर आसन लगा कर बैठे हुए हैं। शेर के मन में भी वही हाथी पर आसन लगा कर बैठने का उपाय सोचा। शेर ने जंगल के सभी जानवर बताया आदि थे कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस गया था झट से आसन लगाया जाए। शेर उछल कर हाथी पर लग गया आसन। मैं जा बैठा आदि जैसे आसन को चलता है आसन हिल जाता है और सिर के धराम से गिर जाता है। नैतिक जिसका काम उसी को चाहते। धन्यवाद।